Greetings, wonderful audience. Amajit here from Amar PTE classes. Again, I am in front of you with my new video, and today's video topic is about speaking. Means if you are not getting a good score in speaking, then these can be the reasons. In today's video, I will discuss the reasons with all of you and how you can improve in your weak areas in speaking in case of. पी टी ई आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि आप अपने वीक एरियाज़ को चेक कैसे कर सकते हो क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें तो आपको पता होता है कि ये आपके वीक एरियाज़ हैं स्पीकिंग में बट इन केस अगर फाइनल में भी आपका आपने एक बार पेपर दिया है या दो बार पेपर दिया है तो किस एरियाज़ में जो आपकी वीकनेस है वो आपको कैसे पता चलेगी सो so, सबसे पहले आपको अपना स्कोर तो पता लग जाता है कि मेरे स्पीकिंग रीडिंग लिसनिंग और राइटिंग में इतने स्कोर्स हैं बट अब आप, आप अपनी स्किल प्रोफाइल चेक करते हो या नहीं करते हो ये आप पे डिपेंड करता है सो इन केस अगर आपका स्पीकिंग में स्कोर नहीं आ रहा है तो आपको अपनी स्किल प्रोफाइल को चेक करने की ज़रूरत है सो so, स्किल प्रोफाइल मीन्स जब आप वहाँ पे स्किल प्रोफाइल चेक करते हो जब भी आपका स्कोर का डिस्प्ले होता है उसके नीचे आता है योर स्किल प्रोफाइल सो so, उसमें से ये जो चार पॉइंट्स हैं ये जो चार क्राइटीरिया हैं वो हमारे स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है ओपन रिस्पांस स्पीकिंग सो अगर हम ओपन रिस्पांस स्पीकिंग की बात करें तो इसमें हमारा आएगा डिस्क्राइब इमेज एंड दी रिटेल लेक्चर सो सेकंड इज रीप्रोड्यूसिंग स्पोकन सो अगर हम रिप्रोड्यूसिंग स्पोकन की बात करें तो इसमें हमारा आता है रीड अलाउड प्लस रिपीट सेंटेंस और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड वन है हमारा एक्सटेंडेड स्पीकिंग सो अगर हम एक्सटेंडेड स्पीकिंग की बात करें तो इसमें आता है हमारा अगेन डिस्क्राइब इमेज एंड रिटेल लेक्चर सो लास्ट में हमारा है शॉर्ट स्पीकिंग सो जो शॉर्ट स्पीकिंग है उसमें हमारा आ गया रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस प्लस आंसर शॉर्ट क्वेश्चन सो so, ये सारे पॉइंट्स हैं जो स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं सो so, सबसे पहले ओपन रिस्पॉन्स डिस्क्राइज इमेज प्लस सी टेल लेक्चर एक्सटेंडेड स्पीकिंग भी हमारा डिस्क्राइब इमेज प्लस सी टेल लेक्चर है और रिप्रोड्यूसिंग स्पोकन रीड अलाउड प्लस रिपीट सेंटेंस है शॉर्ट स्पीकिंग हमारा है रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस प्लस आपका आंसर शॉर्ट क्वेश्चन सो आज मैं आपके साथ सिर्फ जो ब्रीफ पॉइंट्स हैं आप कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो इन वीक एरियाज़ में अगर आपका कोई भी वीक एरिया है तो आपने इन स्कोर्स को कैसे इम्प्रूव करना है आज की वीडियो में सिर्फ हम वही डिस्कस कर रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अब सबसे पहले बात करते हैं अगर हम पीटी प्रैक्टिस की बात करें मैं जो एग्जाम्पल्स ले रही हूँ वो एपी पी से ले रही हूँ तो अगर स्पीकिंग की हम बात कर रहे हैं तो स्पीकिंग में हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो है रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस डिस्क्राइब इमेज एंड रीटेल लेक्चर सो so, मैं एक एक एग्जांपल लेके सिर्फ आपको डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि आपने अपने जो ये वीक एरियाज़ हैं इनको इम्प्रूव कैसे करना है सो so, सबसे पहले हमें बोला जाता है कि जब भी आपने रीड अलाउड को अटैम्प्ट करना है तो आपने वन लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है सो वन लाइन स्ट्रेटजी क्या होती है कि आप फर्स्ट लाइन ले रहे हो या आप सेकेंड लाइन ले रहे हो या आप थर्ड लाइन ले रहे हो कोई भी लाइन ले रहे हो चाहे आपने लास्ट वाली लाइन ली है तो आपने जस्ट वो एक लाइन बोलनी है बट उसके लिए कंडीशन होती है कि आपका कोई भी जो वर्ड है वो आपका येलो या रेड नहीं होना चाहिए मींस आपकी जो पन्ननसेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए सो so, अगर आप एज अ स्टूडेंट पेपर दे रहे हो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का जो एक्सेंट होता है वो इतना फाइन नहीं होता उनकी जो पन्ननसेशन है वो क्लियर नहीं होती सो so, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आपने वन लाइन स्ट्रेटजी वाला जो रूल है वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है फाइनल एग्जाम के लिए क्योंकि वन लाइन स्ट्रेटेजी में ये पर्टिकुलर रूल है कि आपका जो एक भी वर्ड है वो रेड नहीं होना चाहिए अगर आपका सिंगल वर्ड भी रेड हो गया देन यू विल गेट जीरो इन रीड अलाउड सो इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है उसके बाद रीड अलाउड में क्या आता है कि अगर आप एपी पी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसमें फिर भी डिफ़िकल्ट पैराग्राफ्स हैं बट अगर आप फाइनल में पेपर दे रहे हो तो उसमें जो पैराग्राफ्स हैं वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते उसमें इजी होता है सो इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है फर्स्ट है कि आपने वन लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है इट इज़ नॉट वर्किंग इन ट्वेंटी इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और दूसरी बात है कि अगर आपने वर्ड्स को स्किप करना है क्योंकि इफ़ यू आर गेटिंग अ इजी पैराग्राफ इन द फाइनल एग्ज़ाम देन यू विल ऑलवेज गेट टू टू थ्री वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हैं जो टू टू थ्री वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स को उनकी पर्नसीशन में प्रॉब्लम आती है सो so आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उन वर्ड्स को एलिमिनेट करना है सिर्फ टू टू थ्री वर्ड्स नॉट मोर देन थ्री वर्ड्स क्योंकि आपका जो कंटेंट पार्ट है आपको पता है कि रीड अलाउड जो है वो कॉन्ट्रीब्यू उसकी जो स्कोरिंग है वो बेस है कंटेंट प्रनंशन प्लस फ्लुएंसी बट अगर आप कंटेंट को एलिमिनेट कर रहे हो देन यू कैन लूज मार्क्स इन दी रीडिंग सेक्शन क्योंकि रीड अलाउड आपका रीडिंग को भी मार्क्स दे रहा है बट यू कैन एलिमिनेट टू टू थ्री वर्ड्स चीज का आपने ध्यान रखना है सो so, आपने इनको अटैंप्ट कैसे करना है सो so, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखा रही हूं कि आपने इनको अटैम्प्ट कैसे करना है सो so, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है जहां पर भी पंचुएशन मार्क है आपने वहां पर पॉज लेना है विद इन दी लाइन आपने कोई भी पॉज नहीं लेना है सो लेट्स डू ऑनली वन एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट Agricultural problems due to climate change, of normal weather, water depletion, and the collapse of soil have become big problems in all parts of the world. Many are now focusing on ethics and family farming as a way to combat these issues. आपने जो बोलना है वो बहुत तेज नहीं बोलना बहुत स्लो नहीं बोलना सिर्फ मॉडरेट सी पेस दे के बोलना है कभी भी आपने ऐसा नहीं कि आप बहुत फास्ट बोल रहे हो या बहुत स्लो बोल रहे हो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑफ नॉर्मल वेदर वाटर डिप्लीशन सो ये हमारा स्कोर है सो so, हमारा जो स्कोर है वो अवैलुएट हो रहा है कंटेंट पन्ननसेशन और फ्लुएंसी के बेस पे। सो so, अगर हम कंटेंट की बात करें तो जो हमारा पैराग्राफ है जो वर्ड्स हैं वो हमारा कंटेंट है पन्ननसेशन का मींस यहाँ पे एक यही है कि जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो वो कितने क्लियरली बोल रहे हो और अगर आपने किसी वर्ड को स्किप करा है तो उस टाइम पे आपकी पर्नन्शन में कोई डिफ्रेंस तो नहीं आया क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब भी आप वर्ड्स को स्किप करते हो तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने आगे क्या बोलना है ये मोस्टली होता है क्योंकि मैं डेली ये चीज़ फेस करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ और फ्लुएंसी है कि आप जो पॉजिज़ है वो एक्ूरेट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो सो so आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है रीड अलाउड के केस में सो so इसके लिए टिप्स यही है कि आपने वन लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है ट्वेंटी में अगर आप अप्रैल में एग्ज़ाम देने का डिसाइड कर रहे हो उसके बाद अगर आपने वर्ड्स को स्किप करना है तो दो तीन वर्ड्स से ज़्यादा आपने स्किप नहीं करना है और ड्यूरिंग अगर आप स्किप कर रहे हो वर्ड्स को तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो फ्लुएंसी है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना आए इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है सो ए पी यूनी की अगर हम बात करें तो वो हमारा रीड अलाउड में मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कोर है वो कम देता है बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा So, आपने इन चीजों का ध्यान रखना है सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपीट सेंटेंस की सो so, सेम एक एग्जाम्पल हम रिपीट सेंटेंस का लेते हैं आई होप कि आपको रीड अलाउड के टिप्स समझ आ गए होंगे कि आपने कौन से टिप्स को फॉलो करना है So, सबसे Students. पहले जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे आपने रैंडम सेलेक्ट करना है प्रैक्टिस करनी है सो तो so, अगर हम बात करें रिपीट सेंटेंस की रिपीट सेंटेंस में कौन से टिप्स और ट्रिक्स को आप फॉलो कर सकते हो so, सो रिपीट सेंटेंस में हमारे जो टिप्स और ट्रिक्स हैं सबसे पहले हम बात करते थे पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद में आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस कर रही हूं स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कैन अचीव अ वाइटी ऑफ क्वालिफिकेशन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कैन अचीव अ वाइटी ऑफ क्वालिफिकेशन लेट सबमिट इट

पहले क्या होता था कि आपको सजेशन दिए जाते थे मैंने ये सजेशन कभी नहीं दिया कि आपने फिलर्स को यूज़ करना है मोस्टली ये बोला जाता था कि अगर आप फर्स्ट टू वर्ड्स ले रहे हो स्टूडेंट्स फ्रॉम देन आप कोई भी लाइन ऐड कर सकते हो जैसे मैंने बोला था कि लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस बट दिस स्ट्रेटजी फिलर्स आर नॉट वर्किंग इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो आपने ध्यान रखना है रिपीट सेंटेंस के केस में कि सिर्फ़ आपने कंटेंट पे ही फोकस नहीं करना आपका जो फोकस है वो फोकस होना चाहिए पर्नाशियशन के ऊपर और फ्रुवसी के ऊपर कंटेंट में आपने ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट वाला फ्रेज उठा लो या आप लास्ट वाला फ्रेज उठा लो जैसे आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड दिस इज दी फर्स्ट फ्रेज सेकेंड फ्रेज है कैन अचीव अ वराइटी ऑफ क्वालिफिकेशन आप इन दोनों में से कोई भी फ्रेज बोल सकते हो एंड आई एम श्योर यू विल गेट गुड स्कोर इन दी रिपीट सेंटेंस कंटेंट को आपने रिपीट करना है बट ऐसा कभी भी नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो आप पनन्सिएशन में स्कोर ले लोगे या फ्लुएंसी में स्कोर ले लोगे क्योंकि हमारे पास यूट्यूब में कुछ मिस गाइडेंस वीडियोज़ भी होती हैं कि आप कुछ भी बोल दो देन यू विल गेट गुड स्कोर इन परनन्सिएशन एज़ वेल एज इन दी फ्लुएंसी बट ऐसा कहीं भी नहीं है अगर आप कंटेंट से रिलेटेड कुछ बोलोगे देन यू कैन गेट गुड स्कोर इन पनन्सिएशन एंड फ्लुएंसी सो कंटेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ रिपीट सेंटेंस बट फॉर गेटिंग सिक्सटी और सिक्सटी प्लस सेवेंटी एट्टी देन यू हैव टू रिपीट एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द कंटेंट सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है रिपीट सेंटेंस की टिप्स और ट्रिक्स यही हैं कि आपने फिलर्स को यूज़ नहीं करना आपने फर्स्ट फ्रेज़ उठा लिया वेल एंड गुड है अगर आप पहले वाला जल्दी सुन लेते हो तो आप फर्स्ट फ्रेज़ बोल सकते हो अगर आपको लास्ट वाला याद रहता है तो आपने लास्ट वाला बोलना है बट आपने बोलते वक्त ध्यान रखना है कि आप अच्छी फ्लुंसी के साथ बोल रहे हो आपकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल क्लियर है और आपकी आवाज़ में कोई फम्बलिंग नहीं है आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है सो so, ये टिप्स और ट्रिक्स रिपीट सेंटेंस के लिए थे सो so, हम नेक्स्ट आते हैं थर्ड टास्क ऑफ पी स्पीकिंग सो थर्ड है हमारा डिस्क्राइब इमेज सो डिस्क्राइब इमेज का ही हम एक एग्जाम्पल करते हैं सो so, ये हमारा डिस्क्राइब इमेज का एग्जाम्पल है सो डिस्क्राइब इमेज में पहले मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी सो so, मेरा टिप्स ये है कि डिस्क्राइब इमेज में जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है डिस्क्राइब इमेज में आपको कंटेंट पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगी कि और सबसे पहले आपको ये पता है कि डिस्क्राइब इमेज में आप टैम्पलेट को फॉलो कर सकते हो टैम्पलेट इज़ वर्किंग इन डिस्क्राइब इमेज बट मेक श्योर कि जो टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हो क्योंकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप ले रहे हो तो उस टेम्पलेट में आपने ध्यान रखना है कि आप एक ही लाइन को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो कई बार हम देखते हैं कि फ्रॉम दिस इमेज आई कैन सी आई कैन ऑल्सो सी सो ये लाइन्स आपने बार बार नहीं बोलनी हैं इफ़ यू आर रिपीटिंग द सेम लाइन अगेन एंड अगेन देन यू कैन लूज मार्क्स इन डिस्क्राइब इमे सेम इन दी केस ऑफ़ रीड लेक्चर सो आपने टैम्पलेट ऐसा फॉलो करना है कि आप अच्छा स्कोर उसमें ले सको पहले तो टैम्पलेट में ये चीज़ ध्यान रखनी है उसके बाद जब भी आप टैम्पलेट में कंटेंट पार्ट डाल रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपका टैम्पलेट कैसा है तो आपने ये ट्राई नहीं करना कि मैं सारा ही कंटेंट डाल दूँ तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें बहुत सारा कंटेंट है नंबर ऑफ़ यू एस हाउस होल्ड देन ये हमारे वो बता दिए यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज़ बता दी तो आपने कभी भी ट्राई नहीं करना कि आपने 100% परसेंट कंटेंट को डिस्क्राइब इमेज में डालना है इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है सो so अगेन आपने पर्नसीशन और फ्लुएंसी पे भी फोकस करना है सो so पहले हम एग्जाम्पल करते हैं फिर मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगी सो लेट्स डू The image provided shows us information about number of U.S. households keeping pets. It displays various elements on the x-axis and on the y-axis. In the image, there are different colors like red, green, and blue. Additionally, I noticed keywords like total dogs and cats, as well as freshwater fish, birds, and horses. Furthermore, within the image, one element appears to be maximum while another seems to be minimum. Overall, the image is very informative. The image provided shows us information about number of US households keeping pets. It displays various elements on the x-axis and on the y-axis. In the image there are different colors like red, green and blue. Additionally, I noticed keywords like total dogs and cats. The image provided shows us information about number of US households keeping pets. It displays various elements on the x-axis तो ये मेरा स्कोर है डिस्क्राइब इमेज का तो अगर आप डिस्क्राइब इमेज की बात करो तो यहाँ पे मैंने जो कंटेंट की बात करी है आपसे पर्नंसिएशन एंड फ्लुएंसी पानंशियेशन आपको पता है कि जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हो आपने क्लियर बोलना है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना वर्ड्स को ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं दी इमेज प्रोवाइडेड शोज अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ यू एस हाउस होल्ड्स सो आपने इन वर्ड्स को खींचना नहीं है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना आपने एक फ्लुएंटली वे में बोलना है और फ्लुन्सी का मतलब है कि जहाँ पे आपकी लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपने पॉज देना है इन बिटवीन दी लाइंस आपने पॉज नहीं देना है सो so अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट था बट हमने यहाँ पे कंटेंट सारा कवर अप नहीं करा है सो so पहले मैंने यहाँ पे जो मेरा टैम्पलेट है उसमें मैंने इमेज का हेडिंग डाला यूएस हाउस होल्ड कीपिंग पैट्स उसके बाद ये सारा मेरा टैम्पलेट है ऑन एक्स एक्सेज एंड ऑन वाई एक्सेज देन डिफरेंट कलर्स रेड ग्रीन एंड ब्लू अडिशनली आई नोटिस सो इसके बाद ये मेरे की वर्ड्स हैं लाइक like, टोटल था डॉग्स था एंड कैट्स था नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर फिश बर्ड्स एंड हॉर्सेस सो इन केस अगर आपके एक दो वर्ड्स रेड भी हैं या फिर एवरेज स्पीकिंग भी है तो भी आप डिस्क्राइब इमेज में अच्छा स्कोर ले सकते हो और डिस्क्राइब इमेज सिर्फ आपका स्पीकिंग में ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है सो डिस्क्राइब इमेज के लिए टिप्स ये है कि सबसे पहले अपना टेम्पलेट देखो कि आप उस टेम्पलेट में क्या क्या कमी है उस टैंपलेट में आपको मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और कभी भी आपने बहुत सारा कंटेंट नहीं डालना है डिस्क्राइब इमेज के केस में मिनिमम सिक्स टू सेवन जो कीवर्ड्स हैं वो मोर देन सफिशेंट हैं सिर्फ सिक्स टू सेवन कीवर्ड्स एक हैडिंग डाल दिया छः कीवर्ड डाल दिए वो सफिशेंट हैं उसके अलावा आपने कंटेंट पार्ट कवर अप नहीं करना है और हमेशा आपने ध्यान रखना है कि आपने मोर देन 25 फाइव सेकेंड्स और लेस देन 30 सेकेंड्स बोलना है कभी भी आपने कोशिश नहीं करनी आप थर्टी फाइव सेकेंड्स बोल रहे हो या 38 एट सेकेंड्स बोल रहे हो इस चीज का आपने ध्यान रखना है डिस्क्राइब इमेज के केस में सो लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ मॉड्यूल ऑफ स्पीकिंग रिटेल लेक्चर सो सबसे पहले अगेन हम इसी विनस की बात करते हैं सो so, जो वीनस वाला है रीटेल लेक्चर uh, sort of, the... सबसे तो पहले आपने ये ध्यान रखना है कि वीनस वाला जो है वो बहुत बार रिपीट होता है जब भी आप पीटी का एग्जाम फिल करते हो तो मोस्टली बच्चों बोलते हैं कि हमें वीनस वाला जो रिटेल लेक्चर था वो आया है वीनस वाला आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी होगा और आपका रिटेल लेक्चर में भी है सो so, दोनों ऑलमोस्ट सेम है बट आज अगर मैं स्पीकिंग की बात कर रही हूँ तो हम स्पीकिंग का ही डिस्कस करेंगे तो रिटेल लेक्चर में पहले आपने ध्यान रखना है आप पहले बोला जाता था, था कि आप कीवर्ड्स नोट कर सकते हो तो रिटेल लेक्चर में कभी भी कीवर्ड्स नोट नहीं करने हैं हमेशा फ्रेज नोट करने हैं सो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम फ्रेज़ क्या होते हैं तो फ्रेज़ होता है कि आप तीन चार वर्ड सीक्वेंस में नोट डाउन कर रहे हो कीवर्ड होता है कि आपने एक वर्ड नोट कर लिया या दो वर्ड नोट कर लिए बट फ्रेज़ है कि आप सीक्वेंस में वर्ड्स को नोट कर रहे हो आपने फोर फाइव वर्ड्स को नोट कर लिया और इस केस में भी आपने अपने टैम्पलेट का ध्यान रखना है क्योंकि आपका जो टैम्पलेट है उसमें मोस्टली इंस्टीट्यूट में एक ही लाइन बार बार बोली जाती है कि इन इन दिस लेक्चर या लाइक स्पीकर वाज डिस्कसिंग या स्पीकर वाज टेलिंग या स्पीकर वाज स्पीकिंग मतलब एक ही लाइन नहीं होनी चाहिए बार बार अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि मीन्स अगर आप एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रहे हो देन यू कैन लूज योर पॉइंट्स इन दी रीटर लेक्चर आप अपने स्कोर्स को अवेलुएट कर सकते हो अपनी स्किल प्रोफाइल से अगर आपका स्किल प्रोफाइल में ये रीजन्स कम है अगर आपका ओपन रिस्पॉन्स में मार्क्स नहीं है या एक्सटेंडेड स्पीकिंग में मार्क्स नहीं है देन यू कैन चेक कि आपका टैंपलेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है सो so, सबसे पहले अपने टैम्पलेट का ध्यान रखना है और अगर आप अप्रैल में अपना पेपर दे रहे हो तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने कीवर्ड्स को नोट नहीं करना है आपने फ्रेजेस को नोट करना है सो आप हम एग्जांपल्स करते हैं ड्यूरिंग एग्जांपल्स आपने अपने फ्रेज भी नोट करने हैं और मैं अपने फ्रेज भी नोट कर रही हूँ सो बिफोर प्रैक्टिसिंग चूज द स्पीकर एट रैंडम एंड स्पीड इज वन सो लेट्स डू There is a picture, sort of artist's impression, before the space age of what Venus might be like on its surface, and so this was looking at the planet Venus. It was science fiction and science fact all the way up to 56 before the start of the space age, but it wasn't completely disproved. This idea of a really sort of lush environment on Venus until 1967, which is when the first measurements in detail were done at Venus so mariner 4 and mariner 5 confirmed the feeling from an earlier space mission that in fact the surface of venus was not like this at all but extremely hot and and also that the clouds were made of sulfuric acid so there wasn't a nice water cycle like is going on in this picture and so that it had to wait for these in-situ measurements by spacecraft to actually do that and so venus turned out not to be quite as earth-like as we thought and i'll sort of tell you about some of the latest results from venus express which which they actually there are some earth-like features but to a large extent it's not like the earth The speaker was discussing the planet Venus. He talked about Venus might be like on its surface. He discussed that science fact all the way up to 56. He mentioned that the first measurement in detail were done at Venus. He highlighted that the clouds were made of sulfuric acid. Finally, he suggested that the some latest results from Venus Express. Overall, the lecture was very informative. The speaker was discussing the planet Venus. He talked about Venus might be like on its surface. He discussed that science fact all the way up to 56. He mentioned that the first measurement in detail were done at Venus. He highlighted that the clouds were made of sulfuric acid. So this is my score retail lecture content is 90 out of 90, pronunciation is 73 out of 90, and fluency is 83 out of 90. सो so, हम um, हम बात कर रहे थे अभी रिटेल लेक्चर की तो रिटेल लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि आपने जो नोट करना है वो आपने नोट करने हैं फ्रेजेस तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ द स्पीकर वाज डिस्कसिंग था द स्पीकर वाज डिस्कसिंग प्लैनेट वीनस सो so, ये जो लाइन थी वो हमारी टैम्पलेट की लाइन थी उसके बाद नेक्स्ट लाइन है ही टॉक्ड अबाउट This is the template venus might be like on its surface next is he discussed that this is the template and science fact all the way up to 56 next is the template he mentioned that the first measurement in detail what done at venus next this is the template that then this is the phrase the clouds are made of sulfuric acid next is the template finally he suggested that and the phrase is the some latest रिजल्ट फ्रॉमस एक्सप्रेस ओवरऑल दर वेरी इनफॉर्मेटिव सो यहाँ पे जो हमारे वर्ड्स हैं वो काफी एवरेज स्पीड्स के हैं डेट्स वाई आई गेट अ लो स्कोर इन परसिएशन ये हमारा रीजन है सो so, मैंने आपको दिखाना था कि परनसेशन में जो ए पी यूनि है वो क्या बोलता है टू इंश्योर अ गुड स्कोर इन परनसेशन यू नीड अ क्लियर स्पीच विद करेक्ट परनसिएशन मीन्स जो आपके वर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए अ स्मूथ टोन विदाउट फ्रिकेंट स्ट्रेस वो इस केस में क्या होता है कि जब भी आप टैम्पलेट की बात करते हो तो बच्चे क्या करते हैं कि टैंपलेट को बहुत फास्ट बोलते हैं बट अगर जब वो फ्रेजेस को बीच में डालते हैं तो जो उनके पिच है वो लो हो जाती है इन पी टी इज स्पीकिंग यू हैव टू टेक केयर कि आपकी जो स्पीच है वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आप बहुत फास्ट बोल रहे हो बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे हो उसके बाद आप बहुत स्लो बोल रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी एक कांस्टेंट और स्मूथ वॉइस होनी चाहिए थ्रू आउट स्पीकिंग क्योंकि स्पीकिंग 20 टू 25 फाइव मिनट्स लगते हैं आपके इससे ज़्यादा टाइम स्पीकिंग में नहीं लगता सो so आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है ये आपको बहुत कम बताया जाता है बट आपको फोकस करना है कि आपकी जो टोन है वो स्मूद हो थ्रू आउट स्पीकिंग नेक्स्ट इज अ कंटीन्यू स्पीच विद रीजनेबल पॉजेस सो पॉजेस का भी ध्यान रखना है सो so, ये हमारा था रिटेल लेक्चर और रिटेल लेक्चर में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या वो कंटेंट को रिपीट कर सकते हैं नो यू कैंट रिपीट द कंटेंट इन रिटेल लेक्चर मीन्स इफ यू आर रिपीटिंग द कंटेंट देन यू कैन लूज पॉइंट्स इन द लिसनिंग सेक्शन क्योंकि रिटेल लेक्चर हमारा जो दे रहा है स्कोर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारा लिसनिंग में कर रहा है प्लस स्पीकिंग में कर रहा है सो so, जो कंटेंट पार्ट है वो हमारा लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता है जो प्रनउंसिएशन प्लस फ्लुएंसी है वो हमारा स्पीकिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करता है सो so, आपने डिस्क्राइब इमेज में भी ध्यान रखना है और आपने रिटेल में भी ध्यान रखना है कि आपने कंटेंट को रिपीट नहीं करना है इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अवॉइड करना है जिस केस में आपको लगता है कि कुछ है ही नहीं बोलने के लिए फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज आपने जो रिटेल लेक्चर है उसमें भी ध्यान रखना है यू हैव टू स्पीक 25 फाइव टू थर्टी सेकेंड्स नॉट लेस देन ट्वेंटी सेकेंड्स मीन्स यू हैव टू एटलीस्ट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स सेकेंड्स उससे कम नहीं बोलना है इनकेस अगर आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तो ये थे हमारे स्पीकिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट इज द रीड अलाउड रिपीट डिस्क्राइब एंड रिटेल जस्ट मैं कंक्लूड कर रही हूं अभी अपना पॉइंट रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है एंड यू कैन स्किप ओनली टू टू थ्री वर्ड्स रिपीट सेंटेंस में आपने फिलर्स को यूज नहीं करना है और आपने पूरा कंटेंट रिपीट करने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि आप मशीन नहीं हो इंसान हो सो so आप एक सेकेंड में पूरा सेंटेंस नहीं रिपीट कर सकते हो जो पी है वो आपकी याद रखने की स्किल्स को जज नहीं कर रहा है वो सिर्फ इतना जज कर रहा है कि आप एक बार सुन के कितना बोल सकते हो सो नॉट ट्राई टू रिपीट दी हंड्रेड परसेंट कंटेंट केस ऑफ रिपीट सेंटेंस क्योंकि अगर आपका रिपीट सेंटेंस खराब हो गया तो मींस आपका स्पीकिंग का जो स्कोर है वो कम आएगा ही आएगा आपने ये ध्यान रखना है डिस्क्राइब इमेज में आपने कंटेंट पर फोकस नहीं करना है सिक्स सेवन कीफर्स एनफ है

अगर आपको आंसर नहीं पता है तो एटलीस्ट आपने कुछ वर्ड्स क्वेश्चन के बोलने हैं बट आपने अपना रिस्पांस एम्प्टी नहीं छोड़ना आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है स्पीकिंग केस में सो so, एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी को कि अगर आप अपना फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ए पी यूनी में स्कोर आ रहा है सो so, सबसे पहले अगर आप अपना प्लान कर रहे हो पेपर देने की तो जो आपका स्कोर है वो बढ़ना चाहिए फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग सिक्सटी इन फर्स्ट मॉक टेस्ट आफ्टर दैट योर स्कोर विल बी इंक्रीज़ ऐसा नहीं है कि आप 60 पे अटके हुए हो 62, 65, 67, देन 70, देन 70 प्लस और सबसे पहले आपको ऑफिशियल पी का टेस्ट भी देना चाहिए अगर आप एक दो बार पीएसएन दे चुके हो ऑलरेडी कि आपका जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है उसमें कितना स्कोर आ रहा है सो आई होप जो आज की वीडियो है वो आपको पसंद आएगी और आपने इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना कमेंट जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो